नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ छेने की जलेबी, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। और ये डिश खास मैंने टीचर डे के लिए ही स्पेशली इस डिश को मैंने तैयार किया है। तो चलिए, सारे सामग्रियों के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1-2 चम्मच यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, और 1 कटोरी से कम यहाँ पे मैंने छेना लिया है, और 4 चम्मच यहाँ पे मैदा ली हूँ, 1 कटोरी चीनी और 2 इलायची रखी हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पे मैंने दूध में केसर डाल के भिगो के रखा है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ली हूँ, पिस्ता और बादाम। और यहाँ पे मैंने छेने को प्लेट में इस तरह से डाल लिया है, और 3 चम्मच इसमें मैं मैदा डालूँगी। और यहाँ पे मैं चावल का आटा डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स करना है, और हाथों से अपने अच्छे से मसल मसल के इसे अच्छे से इसका एक डो तैयार कर देना है चिकना, जिससे हमारी जलेबी जो है काफ़ी अच्छा सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छे से मुलायम बिल्कुल हो, और बीच में वो टूटे नहीं। तो इसलिए अच्छे से हमें 10 मिनट तक इसे मसल के बिल्कुल इसका डो तैयार करना है, और बिल्कुल चिकना डो तैयार करना है। और इस तरह से हम इसे गोल गोल एक लोइए की तरह इस तरह कर लेंगे। और फिर इसे हम हल्के हाथों से पतले पतले इस तरह से, देखिए लंबे लंबे हम इस तरह से मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। तो जिससे अब हम इसे बिल्कुल राउंड शेप में इस तरह हम घुमाते हुए राउंड घुमाते हुए धीरे धीरे इस तरह से, देखिए जलेबी को मैं इस तरह से बना लूँगी। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल इस तरह से जलेबी बिल्कुल राउंड हो गया, और ये देखिए। तो इसी तरह से सारी जलेबियाँ हम तैयार कर लेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे हमारी सारी जलेबी तैयार हो गई है, और अब मैं चाशनी इसकी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 1 गिलास पानी ली हूँ, चीनी 1 कटोरी, और फिर मैं यहाँ पे 2 इलायची डालूँगी फ्लेवर के लिए यहाँ पर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा चाशनी तब तक रेडी हो रहा है उधर, तब तक मैं यहाँ पे पैन गरम कर ली हूँ, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ मैं यहाँ पे गरम होने के लिए, और फ्लेम बिल्कुल आप कम रखें। और यहाँ पे सारी जलेबियों को इसी तरह से हम यहाँ पे फ्राई करके, मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसे सारे जलेबी को आप डालें, जल्दी ना करें, और बिल्कुल इस तरह से डालकर अच्छे से इसे धीरे धीरे पकने दें। तो ये देखिए हमारी सारी जलेबी मैंने यहाँ पे डाली, और धीरे धीरे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसे अलग कर लें, और यहाँ पे धीरे धीरे आराम से एक बार बीच बीच में इसे पलट लें, ताकि जो जलेबी है हमारा अच्छा गोल्डन तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल, ये हमारा जलेबी जो है बिल्कुल गोल्डन तैयार हो गया है, और कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो आज की रेसिपी मैंने खास मैंने बताया कि टीचर डे के लिए मैंने ये रेसिपी को बिल्कुल तैयार की हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा जलेबी है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपकी नोटिफिकेशन नई नई रेसिपी की आपको मिलती रहे। तो ये देखिए हमारा जो चाशनी है बिल्कुल तैयार है, और मैंने वहाँ पे केसर डाल दिया है, जिससे कलर और फ्लेवर जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से हमने यहाँ पे मिक्स करके फ्लेम को बंद कर दी हूँ, और अब मैं सारी जो जलेबी है मेरी वो सब मैं जलेबी को यहाँ पे इसमें डालकर अच्छे से डिप कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से डिप करके आप अच्छे से इसे कुछ देर के लिए छोड़ के तब इसे आप निकाल कर सर्व करें। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे डिप करके छोड़ दिया है यहाँ पे, और इसी तरह से हम यहाँ पे डिप करके छोड़ दूंगी थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे से जो चाशनी है वो बहुत अच्छे से वो सोख ले अपने। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल चाशनी इस तरह से तैयार है, और मैंने यहाँ पे प्लेट में मैं इस तरह से इसे निकाल के गार्निशिंग कर लूँगी। तो ड्राई फ्रूट से मैंने बादाम और पिस्ते को काट के इस तरह से मैं यहाँ पे गार्निशिंग कर ली हूँ। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, थैंक यू, बाय बाय।